छात्रों, ऑनलाइन में आप सभी का अभिवादन। मैंने आपको समास के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें तत्पुरुष समास बताया और अब मैं अव्ययीभावी समास बता रहा हूँ। तो अव्ययीभाव समास, इसमें क्या है कि पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो इसका पूर्व पूर्व पदार्थ प्रधानों पूर्व पदार्थ प्रधानों व्ययी भाव भाव इसमें पूर्व पदार्थ जो है, पूर्व जो पदार्थ है वो प्रधान, मतलब पूर्व पद इसमें प्रधान होता है। और पहला पद जिसको पूर्व पद कहते हैं वो अव्यय अव्यय होना चाहिए, और जो दूसरा पद है वो कोई संज्ञा शब्द होगा। तो ये जो अव्ययीभावी है इसमें अव्यय शब्द होना अति आवश्यक है, और इसका जो विग्रह होता है वह अव्यय में ही होता है। इसकी पहचान, इस समास में, इस समास में पहला पद इस समास में पहला पद अव्यय इस समास में पहला पद अव्यय उपसर्ग या निपात इस समास में पहला पद अव्यय उपसर्ग या निपात होता है तथा दूसरा पद दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द होता है, दूसरा पद कोई संज्ञा दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द होता है तथा दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द होता है, है तथा पहला पद तथा पहला पद प्रधान तथा पहला पद को प्रधानता होती है तथा पहले पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। देखो, इस समास में पहला पद अव्यय उपसर्ग या निपात होता है,
तथा दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द होता है, दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द होता है तथा पहले पद की प्रधानता होती है, उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। जैसे देखो अव्ययभावी समास में पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भावः पहचान, इस समास में पहला पद अव्यय उपसर्ग या निपात होता है तथा दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द होता है तथा पहले पद की प्रधानता होती है, उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। जैसे है आपका उदाहरण ले लो प्रतिग्रहम, ये देखो समस्त पद विग्रह और हिंदी में अर्थ, तो जैसे प्रतिग्रहम प्रतिग्रहम प्रति ग्रहम, अब यह है प्रतिग्रहम का है दिनम दिनम प्रतिग्रहम ग्रहम 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 ग्रहम, इसमें क्या बार बार आता है, प्रति शब्द है बार बार के लिए होता है, प्रतिग्रहम ग्रहम ग्रहम और हिंदी में है प्रत्येक घर प्रत्येक घर, ये इसका हिंदी हो गया प्रत्येक घर। अनुरथम दूसरा है, अनुपसर्ग है अनुरथम अनुरथम, रथस्य पश्चात रथस्य पश्चात, रथ के पीछे रथ के पीछे, अनु यानी पीछे, तो यहाँ पर अनुरथम अनु उपसर्ग है और द्वितीय पद संज्ञा शब्द है और उसमें विभक्ति अनुरथम अनु शब्द उपसर्ग है और इसका विग्रह हो गया तो रथस्य पश्चात रथ के पीछे रथ के पीछे। उपकृष्णम उपकृष्णम अनुयन पीछे और उपकृष्णम कृष्णम उपकृष्णम कृष्णस्य समीपे कृष्णस्य समीपे कृष्णस्य समीपे, कृष्ण के पास कृष्ण के पास, तो इसमें पहला पद उपसर्ग या निपात होगा या अव्यय शब्द होगा और दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द होगा, इसमें अनुरथम रथ के पीछे रथस्य पश्चात और उपकृष्णम में कृष्ण के पास कृष्ण से समीपे, तो ये आपका अव्ययभावी समास है। इसके जो नियम है वो लिख लो, दोबारा सुन लीजिए कि इस समास में पहला पद अव्यय उपसर्ग या निपात होता है तथा दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द होता है तथा पहले पद की प्रधानता होती है, उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। समस्त पद में जैसे प्रतिग्रहम और विग्रह करेंगे तो ग्रहम ग्रहम होगा और हिंदी में अर्थ करेंगे तो प्रत्येक घर होगा। इसी प्रकार से समस्त पद है अनुरथम अनु यानी पीछे, ये उपसर्ग है अनुरथम और रथम जो है संज्ञा शब्द है तो यहाँ विग्रह करेंगे तो रथस्य पश्चात होगा रथ के पीछे और हिंदी करेंगे तो रथ के पीछे। और उपकृष्णम इसमें उप उपसर्ग है और उप का मतलब पास में
और कृष्ण समीपे, कृष्ण समीपे कृष्ण के पास में, कृष्ण के पास में। ये आपका नियम देखो इसके, इसमें नियम पहला अव्ययभावी समास में अव्ययी भाव समास में, समास में पहला पद, पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है, अव्यय होता है। अव्ययभावी समास में पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है। दूसरा है नियम, प्रथम पद प्रायः अव्यय, प्रथम पद प्रायः अव्यय और दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। संज्ञा शब्द होता है। और तीसरा है समस्त पद, समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। और चौथा है समास में, समास होने पर समस्त पद भी अव्यय हो जाता है, देखो इसके जो नियम है, और उस नियम में अव्यय भाव समास में पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है, प्रथम पद प्राय अव्यय और दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। तीसरा नियम है समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है और समास होने पर समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। अब इसके ये आगे देखो पांचवा नियम, नियम पांचवा, और पांचवा में समस्त पद बनाने के नियम। अव्यय भाव अव्ययी भाव समास में
अव्ययभावी, अव्ययी भाव समास में समस्त पद नपुंसकलिंग नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। समस्त पद में अंतिम समस्त पद में अंतिम समस्त पद में अंतिम दीर्घ दीर्घ स्वर का ह्रस्व कर दिया जाता है। ह्रस्व कर दिया जाता है, जैसे उप यमुनम यहाँ पर है। यमुना जो शब्द है, यमुना का यमुन करा है, इसमें यमुना में दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर कर दिया तो उप लगा दिया उपसर्ग और यमुन, और इसमें नपुंसकलिंग में कर दिया यमुनम, अर्थात यमुनाया, इसका विग्रह हुआ यमुना या समीपम। देखो उप यमुनम में यमुनाया शब्द है, तो यमुना का यमुन हो गया और संज्ञा में नपुंसकलिंग एक वचन हो गया यमुनम, और यहाँ पर उप जो है उपसर्ग है। इस प्रकार से उपनदी है, उपनदी इसमें जो नदी शब्द है इसका दीर्घ का ह्रस्व हो गया, नदी हो गया, नद्याम समीप है, नद्या समीप। नियम नंबर 6 में है अनु यानी पश्चात, अनु यानी पश्चात पीछे के अनु जो है इसमें एक नंबर में है पश्चात, और इसका अर्थ होता है पीछे के अर्थ में विद्यमान अनु, विद्वान अनु अव्यय का समर्थ शुभंत के साथ समास होता है। तो यहाँ पश्चात अनु शब्द का इसके दो होते हैं, एक पश्चात होता है और एक योग्यता होता है।
पश्चात पीछे के अर्थ में, और योग्यता है वो लायक है अनुकूलता के अर्थ में। तो यहाँ पर अनु जो है पश्चात पीछे के अर्थ में विद्यमान जो अनु अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, जैसे रथस्य पश्चात और ये होगा अनुरथम रथ के पीछे और जनस्य पश्चात अनुजनम लोगों के पीछे इसी का है खेमे खेमे योग्यता अथवा लायक का अनुकूलता के अर्थ में लायक योग्यता अथवा लायक या अनुकूलता अनुकूलता के अर्थ में विद्यमान अनु अव्यय का समर्थ शुबंत शुबंत के साथ समास होता है जैसे रूपस्य योग्यम अनुरूपम रूप के योग्य गुणस्य योग्यम अनुगुणम और गुणों के योग्य। ये आपके अनु उपसर्ग का था, इसी प्रकार से उपसर्ग है। उप में समीप के अर्थ में उप जो है उप और इसी प्रकार समीप अर्थ में विद्यमान उप अव्यय
अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ, सुबंत के साथ अव्यय भाव, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे वनश समीपम है, जैसे वनश समीपम, वनश समीपम उपवनम, वन के पास, वन के पास, वनश समीपम वन के पास में। तो यहाँ पर वनश्य समीपम जो है इसका आया उपवनम, उप उपसर्ग आ गया वनश्य समीपम। ग्रामश्य समीपम गांव के पास में, उपग्रामम, उपग्रामम, उप का मतलब पास में, समीप गांव के पास, गांव के पास। तो यहाँ अनु और उप इन दोनों के बारे में मैंने बताया, और ये अव्यभावी होता है। अव्यभावी में पहला पद अव्यय शब्द होता है, दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है, और इसका विग्रह करने पर इसमें दूसरे पद में नपुंसक एक वचन में, इसका समस्त पद बनाने पर नपुंसक एक वचन कर दिया जाता है। और इसमें क्या है, अव्यवाही समास में पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। इसी के साथ अब मैं आपको अगली कक्षा में शेष जो रहे अव्यभावी में वो बताएंगे। धन्यवाद।